श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो आप आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से, और एक आप आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो पहले हम वास्तु शास्त्र पे आते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के वास्तु शास्त्र से संबंधित उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर उगते सूरज पर, जो सूरज उगता है हल्का लालिमा होता है, तो उस पर कम से कम 5 मिनट तक ध्यान कीजिए। साथ ही आप अपने दाएं हाथ की उंगली में सोने से बनी अंगूठी पहने, यहां पे आप अंगूठी पहन सकते हैं, यहां भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप रोज सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य के सामने सूर्य के 12 नामों को जपें। इससे सूर्यदेव खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आप सूरजमुखी के फूल को पूर्व दिशा में रखें, इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खाना खाएं। आप रोज सुबह गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करें, इससे आपका मन शांत होगा और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। अभी मैं आपको बताता हूं मनोवैज्ञानिक उपाय। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र के अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक उपाय भी अपना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मन ठीक होता है तो आपके चेहरे पर चमक आती है और आप अपने जीवन की हर कठिन चुनौतियों को भी हंसते हुए पार कर लेते हो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आप मनोवैज्ञानिक उपाय को अपना सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको हर बात को उसके उचित अर्थ के साथ देखना चाहिए और उसके यथार्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आपको अपनी क्षमताओं पर भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की परिस्थितियां आती हैं, तो आपको उस समय संयम से काम लेना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। आपको अपने आप को इस तरह तैयार करना चाहिए कि आप अपने कार्यों में असफलता पाने के बाद भी उम्मीद न छोड़ो और पुनः प्रयास करने लगो। आपको अपने निर्णयों पर भी पूरा भरोसा होना चाहिए, ना कि आप किसी की बात को सुनकर अपने निर्णय को बदल दो। अगर आपको लगता है कि आप आपको दिए गए कार्यों को कर सकते हैं, तो आप खुद ही पहल करके उन कार्यों की जिम्मेदारी को लें और उनमें सफलता प्राप्त करके दिखाएं। आप किसी भी चीज को अत्यधिक निजी रूप से और अत्यधिक गंभीरता से न लें, क्योंकि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। आप अपने बारे में अच्छा सोचें और साथ ही अपने साथियों के बारे में भी अच्छा सोचें और उनकी मदद करके उनको खुशियां दें। एक आत्मविश्वास से भरा इंसान हमेशा जिज्ञासा से भरा होता है, तो आप भी अपने अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाएं। आप कभी भी अपनी सफलताओं पर घमंड न करें, बल्कि अपनी सफलताओं को प्रेरित होकर अपने भविष्य के लिए और लक्ष्य बनाएं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।